बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है ऑयली स्किन। अक्सर लोग अपनी ऑयली स्किन की वजह से परेशान होते हैं। जब भी सो के उठें तो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ऑयल नुमाया नज़र आ रहा होता है, और अगर वो टिशू के साथ उसे रगड़ के देखें तो वाकई टिशू के ऊपर भी ऑयल लगेगा। तो इसको ठीक करने के लिए चंद एक रेमेडीज़ आपको बताऊंगी, आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चेहरा जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। करना कुछ यूँ है कि सेब को आपने कद्दूकश करना है। कद्दूकश करने के बाद इसको पूरे फेस के ऊपर आप फैला लें और 15 मिनट्स तक इंतज़ार कीजिए। फिर अपने फेस को कोल्ड वाटर से आपने इसको धो लेना है। इस अमल के करने से जो ऑयल है वो कम हो जाएगा और चेहरा आपका निखर जाएगा इंशाल्लाह। नंबर दो रेमेडी जो है वो इस तरह से है कि टमाटर का गुदा, यानी उसका पलप सा जो होगा वो आपने चेहरे पर लगाना है, और ये लगाने से भी चेहरे की चिकनाई काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हो जाती है। नंबर तीन पर जो रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत अच्छी है, वो है आलू का मास्क आपने ऑयली स्किन के लिए यूज़ करना है। आपने आलू उबालने हैं और उसे बारीक पीस लीजिए, और फिर इसको दूध में हल करके थोड़ा सा इसमें दूध मिलाएंगे और चेहरे पर लगा दीजिए। पूरे अच्छे तरह ढांप दीजिए चेहरे को, और तकरीबन 15-20 मिनट ये भी लगा रहने दें, और आफ्टर डैट इसे आप वॉश आउट कर लीजिए। इंशाल्लाह आपका चेहरे की जो है चिकनाई इससे भी कम होने में मदद मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने पहले नहीं किया हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।